बरसात के इस मौसम में तस्वीर नहीं बदलती, नहीं बदलती बदहाली, नहीं बदलता व्यवस्था का ढर्रा, नहीं बदलती बाढ़ से मार झेलने वाले लाखों लोगों की तकदीर। बदलता है कुछ तो सिर्फ साल बदलता है, कैलेंडर बदल जाता है। हम साल भर सुनते रहते हैं कि बड़ी तरक्की कर रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, मंगल को उड़न छू कर रहे हैं, और हाँ, हम आत्मनिर्भर भी बनना चाह रहे हैं। ये सब बातें अच्छी, ऊंचा उठना चाहिए, ऊंचा उड़ना चाहिए। तो फिर क्यों बाढ़ से देश के बड़े हिस्से को हर साल डूबना पड़ता है, क्यों डूबना पड़ता है? 1954 में भारत ने बाढ़ प्रबंधन का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया था। इसके तहत अन्य उपायों के अलावा 34,397 किलोमीटर से अधिक के तटबंध बनाए गए, 51,317 किलोमीटर के ड्रेनेज चैनल बनाए गए। लेकिन असम, बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ की समस्या नहीं मिटी। क्या भारत के बाढ़ नियंत्रण की योजना में कोई खामी रही? क्या भारत के बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के अमल में कोई चूक हुई? We are doing in the last 40-50 years is nothing but we are constructing embankments. Now there are many drawbacks with embankments. क्या होता है जब एम्बैकमेंट बनता है तो एम्बैकमेंट रिवर का जो सेडिमेंट है, ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर इज कैरीज हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट रिवर का बाहर नहीं जा सकता है, तो रिवर बेड इट कम्स अप, रिवर बेड राइजेस। आई थिंक सेम इज हैपनिंग इन गंगा बेसिन इन बिहार। भारत में बाढ़ किसी एक या दो राज्य या इलाके की समस्या भर नहीं, बल्कि साल दर साल बाढ़ ने भारत में अखिल भारतीय हाहाकार मचाया। असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की लगभग एक जैसी परेशानी हर साल झेलते हैं। बाढ़ ने भारत को कैसी चोट पहुंचाई है, इसके आंकड़े बेहद परेशान करने वाले हैं। उन्नीस से 2017 के बीच बाढ़ और भारी बारिश से भारत को 3,78,247 करोड़ रुपयों से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। बाढ़ और बारिश की वजह से इन 65 सालों में 1,07,535 लोग मारे गए। इन 6.5 दशकों में 8,07,17,993 घर क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ आती है तो मशीनरी कहती है कि हम सबको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। ये तो मरता क्या ना करता वाला उपाय है। इस उपाय में जो भाग्यशाली हैं वो बचते हैं, बाकी सब बस झेलते हैं। भारत में जल प्रबंधन की लचर व्यवस्था असम, बिहार जैसे राज्यों में तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ तो राजधानी दिल्ली में ही मिंटो रोड जैसे व्यस्त इलाकों में चंद घंटों की बारिश में फ्लाईओवर के नीचे भरे पानी में डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मिंटो रोड के फ्लाईओवर के नीचे पानी भरने की 17 साल पुरानी तस्वीर और 2020 की तस्वीर एक ही कहानी कहती है। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान 1976 वाला है, जब दिल्ली की आबादी मौजूदा आबादी की 1/4 से भी कम थी और 44 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर भी अतिक्रमण है। असम और बिहार जैसे राज्यों में भी बाढ़ नियंत्रण के बहुतेरे दावे हुए, लेकिन सब कागज पर हैं, धरे के धरे हैं। यहाँ पर हूँ, ये हाईवे से सटा हुआ थोड़ा सा इलाका, लेकिन जितने गांव आप देख रहे हैं, जो भी घर है मेरे ठीक पीछे, हर घरों में लगभग पानी भरा हुआ है और कई जगहों पर पानी जो है वो कंधे तक है। इसके आगे हमें ये नहीं पता कि रास्ता कैसे होगा, इसलिए वहां तक नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ एक तरफ ही नहीं बल्कि यहाँ देखिए दूसरी तरफ भी, यहाँ भी कई सारे मकान हैं और वो तमाम जो घर हैं वहां के लोग भी उन इलाकों से जैसे ही पानी आगे आया वहां से निकल करके आगे सड़क के किनारे उन्होंने अपना आशियाना बसा लिया है। यहाँ पर कैंप में मोमिना रह रही हैं अपने बच्चों के साथ और जो भी जरूरत का सामान घर में था उसको लेकर के यहाँ आ गई हैं। अब सबसे मुश्किल ये है कि एक तो तेज बरसात है और छत के नाम पर ये प्लास्टिक का हिस्सा है, ऐसे में तेज बारिश मुश्किल हो सकती है परिवार के लिए, बच्चों के लिए। ये बात भी सच है कि आपदा में इंसान बौना नजर आता है, लेकिन जब प्रबंधन की कमी से बाढ़ की समस्या हर साल झेलनी पड़े तो इसे इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। कोलकाता से मनोज।